वेलकम बैक टू विनर इन ब्लॉग। मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त विशाल, और मेरे साथ यहां खड़ी है कौन? चुलबुली नेहा। और वी आर रेडी टू गिव सरप्राइज आप सबके प्यारे विनारियन और आप सबकी प्यारी दादी को। तो अभी बस हम रेडी हो चुके हैं, नहा चुके हैं, और अभी हम लोग कहां जा रहे हैं? ब्रेकफास्ट कहाँ? ब्रेकफास्ट यस, ब्रेकफास्ट करने। और मेरे पीछे नजारा देखिए क्या खूबसूरत है, बाय गॉड होटल बहुत ऑसम है। अरे ग्राउंड लेवल तो दबाओ मैडम, नया दबाना ही भूल गई है। तो हम आज लिफ्ट में खड़े हुए चल के नहीं दिया, नहीं दिया, बर्थडे की प्रेस नहीं किया। कोई नहीं, तो अब रेडियो सरप्राइज देने के लिए कॉल भी नहीं किया फ्रेंड्स। यस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बुफे के लिए। yes. तो मिलते हैं, हम आपको बुफे दिखाते हैं आज का कैसा है। सो फ्रेंड्स, आज हम टाइम पर जा रहे हैं रेस्टोरेंट और देखते हैं आज हमारे बुफे में क्या क्या है। आज जरूर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, विशाल ने पकड़ लिया अपनी चेयर, बैठ गए और ऑर्डर कर दिया चाय का, व्यू का एंजॉय ले रहे हैं। यस, और अभी विशाल ने सबसे पहले आते ही अपनी चाय ऑर्डर करी है कि प्लीज पहले मुझे विदाउट शुगर टी दे दो चाय, है ना? और मैंने अपनी शुगर की गोली खा ली है, तो अब मेरे को फटाफट कुछ खाना पड़ेगा क्योंकि शुगर की गोली खाई है। आई थिंक मेरे को 20 मिनट हो गए। यस 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 यस, चलो पहले बुफे देखते हैं क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा चाय का स्टॉल यहाँ पर। एंड नेक्स्ट इज स्पेशल करी मसाला चाय। ओके, दिस इज अ पैनकेक फ्लेवर, पैनकेक आर्यन पैनकेक काउंटर भाई मिस कर रहा है तेको। एंड यहाँ पर वही मफिन्स हैं, क्रोसेंट है, बहुत सारे आर्यन की चीज़ें हैं, टी केक, बनाना टी केक, डोनट्स आर्यन भाई, राजभोग मम्मा, राजभोग ब्राउनी आर्यन, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। देखो एंड नाउ दिस इज अ जूस काउंटर एंड फ्रूट इज देयर। ओके आर्यन, ये देखो आपका क्रोसेंट भी है यहाँ पर, मफिन्स भी है, स्प्राउट्स, दिस वन एंड दिस वन इज ऑल्सो स्प्राउट्स विद दिस मसालाज, अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं, ब्रेड, टोस्ट, चीज बार्स, डिफरेंट डिफरेंट। एंड ये हो गए हमारे सीरियल्स, चॉकोस, आयरन के कॉर्नफ्लेक्स मिल्क के साथ, दीज ऑल आर फ्रूट्स, शेक, जूसेस, फ्लेवर्ड योगर्ट्स, फ्रेंड्स देख लो योगर्ट्स। एंड ये फ्रूट्स आर्यन का फेवरेट पार्ट, दिस इज द फ्रेश मेकिंग ऑफ कांदा, कांदा भजिया जिसको हम बोलते हैं प्याज के पकौड़े, फ्रेश वन दे आर मेकिंग। अंडा कीमा पाओ, यहाँ पे डिफरेंट चटनीज फॉर द सांबर डोसा एंड ऑल, उसके लिए डोसा है, उत्पम है, इडली, वड़ा, एवरीथिंग इज हेयर। दिस इज वड़ा सांबर, खिचड़ी,
ओके उपमा एंड पोहा आर्यन पोहा देख ले भाई यहाँ पे है आलू भाजी ओके वेजिटेबल कीमा रोस्टेड बेबी पटाटा रेड सॉस पास्ता आर्यन फॉर यू और रेड सॉस पास्ता ओके नूडल्स भी है आरू गार्लिक सॉस वेजिटेबल चिली स्टीम्ड वेजिटेबल लेटस बेक्ड बीन्स एंड दिस इज द चिकन सॉसेस And this is fish. Soup is also here. See. This is veg clear soup. And this is the omelette counter. यहाँ पे boiled egg और आप अपने flavor वाले omelettes भी बनवा सकते हैं. यहाँ पे ना बहुत डिफरेंट स्टाइल ऑफ एग्स के हैं हम लोग खा नहीं सकते अभी एग अभी नवरात्रा इज ऑन यस एग तो नॉन वेज ओनली वेज यस तो उसमें बहुत सारे भजिया एग पता नहीं क्या क्या था बहुत सारे तरीके के बट हम लोग नहीं टेस्ट कर सकते तो दोस्तों देखो इसके लिए स्पेशली शेफ से मैंने व्हाइट सॉस पिंक सॉस पास्ता बनवाया है और वो छोड़ दिया आम की भूखी आम खा रही है अरे आम कहीं जा थोड़ी रहा भाई खा लियो आम बाद में पहले वो तो खा ले देख बिट्टी देख ले तेरी मम्मा ऐसे ही करती है आम देखा नहीं रत्नागिरी का हाफूस आम है कैसा है मीठा मिश्री चलो एंजॉय करो मेरी चाय चल रही है मैंने अपना परौंठा खा लिया है तो मिलते हैं खाकर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करा आज हमने ब्रेकफास्ट और हमने चॉइस की चीजें भी बनवा के खा ली यस हमें अच्छा लगा आज एंजॉय किया हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट टाइम और अब हम चल दिए अपनी पैकिंग करने के लिए क्योंकि आज हमारा चेकआउट है जैसे आपको पता और हमें सरप्राइज देना है तो अभी एक सरप्राइज वेट कर रहा है दिल्ली के अंदर और फिर उसके बाद एक नई डेस्टिनेशन नई सीरीज और नए चेहरों के साथ फिर मिलेंगे और इधर ये हमारा स्टाफ है बहुत अच्छा रेस्टोरेंट का ये मैनेजर्स हैं थैंक यू फॉर योर हेल्प थैंक यू सो मच लवली ब्रेकफास्ट Tasty breakfast. Yes. To see you soon. Yeah, very soon. आज हमारा लास्ट डे और हम लोग वापसी पर हैं और मैं चेकआउट के लिए जा रहा हूँ तो और ये लिफ्ट से खूबसूरत नजारा आपको अब मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ फाइनली तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं और लिफ्ट में उसके बाद दोबारा कब हमारा ये वाली सीरीज आएगी मुंबई की अभी अपने को नहीं पता अभी अपन दिल्ली जाएगा दिल्ली के बाद नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है और वो इंटरनेशनल है आप लोगों को पता है और देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है ये लिफ्ट से देखने में मज़ा ही अलग आता है कमेंट करके बताइएगा मैंने बार बार बोला है कि आपको कैसा लगा रात का नज़ारा या दिन का बेटर कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आता है और ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ आप लोग और अभी मैं चेकआउट करने जा रहा हूँ और फिर अपनी फ्लाइट पकड़ेंगे देन आपको दिखाते हैं क्या है और जो नेक्स्ट है ट्रिप वो हमारा बाय रोड है तो आशा करते हैं आपको हमारा पसंद आता रहेगा अभी मैं जा रहा हूँ रिसेप्शन पर टू चेकआउट देखिए हियर आई एम सो गाइस ये ललित पर हैं योर गुड नेम सचिन कुमार जी इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है एंड बहुत ही हम्बल हैं बहुत ही प्यारे हैं और हंसमुख देखिए स्माइलिंग फेस से इनका देख सकते हो कसम से
एक नंबर है। तो प्लीज आप आएंगे तो आप सचिन जी के लिए जरूर आए यहाँ पर ललित के अंदर मुंबई। इधर भी बहुत अच्छा स्टाफ है, अभी वो बिजी है, कोई बात नहीं। सचिन भाई थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू टू एवरी वन इन ललित। सो मेरा प्लीज थैंक यू सबको पास ऑन करिएगा प्लीज, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज, थैंक यू थैंक यू। सो प्लीज जरूर आइएगा। सचिन जी आपका नाम क्या है? क्षितिज। ये सब बहुत बढ़िया लोग हैं। और बाय टू ललित एंड थैंक्स टू एवरी वन इन ललित। सो मिलते हैं ऐसे ही, अभी एयरपोर्ट पे टैक्सी बुलाऊंगा। लोगों ने चेकआउट कर लिया है, ऊबर बुक कर लिया है एयरपोर्ट जाने के लिए। वैसे तो एयरपोर्ट 5 मिनट वॉकिंग भी है, बट पता नहीं हमें, तो इसलिए हमने वी डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क, तो हमने ऊबर बुक कर लिया है, अभी आने वाली है। तो विशाल वही देख रहे हैं, ये देखो चेक कर रहे हैं कि कहाँ पर है कैब। फाइनली 1 मिनट कम हो रहा है, नहीं तो इतने दिनों से 2 मिनट का, 3 मिनट, 3 मिनट का, 5, 7, आज टाइम पर, बिकॉज आज सैटरडे है। 4 मिनट से 3 हुआ, 3 से 2, 2 से 1 फोन आ गया। आज एक्चुअली सैटरडे है ना, तो आज ऊबर वगैरह मिल जाएगी, बिकॉज आज हॉलीडे है और आज ट्रैफिक भी नहीं मिलने वाला है। और हमारा तो वैसे भी होटल के नियर बाय ही एयरपोर्ट है, तो 5-10 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अब हम करते हैं इस होटल को बाय 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 ललित, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अभी हम बाहर चलते हैं और देखते हैं हमारी कैब आई है या नहीं, लेट्स सी। हाँ, किस चीज़ का? नहीं नहीं नहीं, फ़ोन में ही दिखा देंगे। तो अभी हमारी कैब आई नहीं है, गेट पर देख लो, वी आर जस्ट वेटिंग, जैसे ही आएगी तो हम बाहर जाएंगे, एयरपोर्ट जाएंगे और सरप्राइज देंगे, क्योंकि इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता है ना विशाल। यस, सरप्राइज। हम लोग जा रहे हैं वापस सरप्राइज देने, हमने झूठ बोला है भैया, फर्स्ट वाले में ले लेना प्लीज। तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, तो घर पहुंचेंगे तो देखते हैं उनको कैसा रिएक्शन मिलता है, सब कुछ होता है, कमाल ये इनकी। तो आपको दिखाएंगे। और विशाल ये बैठे, हम लोगों ने अभी फोन पे बात करी तो हमने उनको झूठ बोल दिया है कि हम लोग किसी मीटिंग में जा रहे हैं, अब घर पहुंचेंगे तो देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, लेट्स सी। उनको सरप्राइज है, उनके हिसाब से हम यही है मुंबई में है, लेकिन अपन अभी घर पहुंच जाएंगे सरप्राइज। यस, तो बने रहिएगा गाइस सरप्राइज के साथ, बाय बाय। हम लोगों ने चेक इन कर लिया, सिक्योरिटी चेक भी करवा लिया और अब हम जा रहे हैं अपने गेट नंबर 53 की तरफ। हम लेट हो गए हैं, 12 बजे बोर्डिंग टाइम है और ऑलरेडी 12 बजने में 1 मिनट बचा है। आज हम पता नहीं क्यों लेट हो गए, हम तो टाइम से निकले थे यार, ज्यादा नजदीक होने की वजह से। पर हमने फिर भी टाइम लेके चले थे, पर समझ नहीं आया कि 12 तो हमें यहीं बच गए यार। हम ज्यादा नजदीक, एक्चुअली उबर कैब आने में भी टाइम लगा ना। हाँ करेक्ट करेक्ट, 15-20 मिनट वो लगे, पहुँचने में तो 5 ही मिनट लगे। यस, और ये देखो मुंबई एयरपोर्ट, गो ग्रीन, फाइनली हम लोग जा रहे हैं अपने घर। yes, सरप्राइज देने के लिए। यो ए, 1 वीक से भी ऊपर हो गया हमें आर्यन और मम्मा के बिना। यस, अब यस हमें बोर्ड करनी है, 12 बजे का टाइम था बोर्डिंग टाइम, वी आर लेट। यस, हमने बोर्डिंग कर लिया, हम जब आए यहाँ पर गेट पे तो ऑलरेडी बोर्डिंग चल रहा था, पर मैं शॉपिंग नहीं कर पाया दोस्तों। कोई बात नहीं, T3 पे करेंगे, अगर कुछ पसंद आया तो दिल्ली पहुँच जाएंगे, उस पे देख लेना आराम से।
टी3 पे देखेंगे अगर कुछ पसंद आया दोस्तों। ये कैसे बोल रहे हो? पहले मैं बहुत कम शॉपिंग करता था, जब से मैंने मॉर्निंग टी पीनी चालू करी है तब से मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करता हूँ। ये ना वो वाली ऐड हो गई। वो जो पहले कहते थे हम ये करते थे तो हम इतना मोटा लगता था, वो वाली ऐड नहीं आती थी पहले। जब से आप भी चाय पियेंगे तो आप भी बहुत ज्यादा शॉपिंग करेंगे मेरे दोस्तों। बस हो गया। आइए देखो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली बोर्ड कर चुके हैं। एज यूजुअल हमें एयरपोर्ट में भी जाम मिल रहा है दोस्तों। ये देखो फ्रेंड्स रनवे। अब तो हमारा बिट्टी हमें प्राइवेट जेट देगा खरीद के, तभी हमारे को जाम बचेगा। फिर मिला क्या, एयर इंडिया का इंटरनेशनल प्लेन। यस, तो अभी हम बैठ चुके हैं। टना वेरी परसिस्टेंट टना 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 नजारा। गाइस मिलते हैं दिल्ली पहुंचकर। हुर्रे, विशाल हो गए हैं थोड़े से गर्मी के कारण, पागल पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। रिमोट को फोन बना रहे हैं। हेलो हेलो, ये देखो। हाँ जी, क्या कर रहे हो पाजी? ये देखो मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी। ये देखो गर्मी 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 सर पर चढ़ रही है इनके। ये देखो दिस इज अ वेरी ओल्ड एयरक्राफ्ट, तो मैं थोड़ा सहम गया। ओल्ड है तो चलेगा नहीं क्या? पता नहीं भाई, अभी तक तो कुछ चल नहीं रहा। ना एसी चल रहा, ना स्क्रीन चल रही है, कुछ नहीं चल रहा। सारे बटन दबा दिए। विशाल का ये फुट वाला भी नीचे नहीं हो रहा विशाल से। मैंने तो देखो सेट कर लिया अपने फुट के अकॉर्डिंग, इनसे वो भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा जी। ठीक हो? क्या कर रहे हो? मेरा तो अपने आप जा रहा है वापस, तेरा वो भी नहीं जा रहा। क्या तेरा ही वापस नहीं जा रहा? अपने आप निकाल लूँ, निकाल लो, सिर डालेगी उसके लिए। करो ये देखो गाइस, इसका ये भी नहीं जा रहा वापस। ये जुगाड़ से जट करना पड़ रहा है उन लोगों को। ये देखो, ये हम वायर अंदर करते हैं फिर इसको सेट करके अंदर करते हैं। देखो ये सब कुछ खराब हो रहा है। इनका आया एक ग्लास ठंडा पानी। क्या चाहते हो? ये यही रख लो, अभी वो सर्व करने जा रही हैं। नहीं चलेगा तो बिजनेस क्लास, वहाँ का तो पक्का चल रहा होगा। मैंने कहा था वो अभी सर्व कर रहा है, अभी मत दो। 12:42 हो गए हैं फ्रेंड्स, और 1 बजे उड़ना है अभी, और 15 मिनट बैठना है। और वेट करनी है। हाँ, मैं उड़ाऊँ अपना लाइसेंस दिखा के। हाँ, बस यही बचा था अब,
यही बचा है, विशाल जाएंगे आका मादी सटक ले गर्मी से। देखो फट लग गया स्क्रीन, कुछ चाहिए मतलब इनको कुछ ना कुछ चेड़ने के लिए, अब ऑन ऑफ ही कर ही जा रहे हैं उसको। ये देखो, ये देखो, फिर क्या कर रहे हो, हर चीज छेड़ के देखनी है तुम्हें। हो गई चेकिंग पूरी, ये ठीक है, बाकी और कुछ चेक करना है। ले कर दिया उसका भी, कर दिया उसका भी। अरे क्या चाह रहे हो, तेरा भी नहीं ऐसे ही ना। अरे नहीं होगा, उसके बाहर से ही पता चल गया ना। ये देखो विशाल ने ठीक कर दिया, विशाल यहाँ चीजें एरोप्लेन मैकेनिकल इंजीनियर मैंने ठीक कर डाला, चीजें ठीक कर रहे हैं। दो का ठीक कर दिया ना, कर दिया जी कर दिया। अब और कुछ चेक करना, उतरते उतरते खराब कर दिया। और कुछ चेक करना, एयर इंडिया का नहीं हो रहा यार, गर्मी लग रही है। अब इसको भी चेक कर लो, ऑपरेशन कर लो, इसका भी पता चल जाएगा कुछ ना कुछ आपको। इनकी तो स्क्रीन भी चल गई, इनका कुछ ना चला, इतना ऑपरेशन करने के बाद भी कुछ नहीं चला पाए यार आप तो। अति है मतलब, क्या चला बता, उन्होंने तो अब स्क्रीन ही बंद कर दी। चश्मा उतार के देखो थोड़ा, चला के देखो थोड़ा। हुआ कुछ है? सैलड सा लग रहा है, अभी मैंने ओपन नहीं किया। कर्ड है, परांठा है और नीचे है राइस। ये देखिए फ्रेंड्स, राइस विद दाल हमें मिला है, तो अभी देखते हैं, खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसा टेस्ट रही है, क्या चीज़ है। ये देखो फ्रेंड, कुछ सैलड सा है, आई डोंट नो, कैरेट है, किशमिश है, पता नहीं आया, समझ नहीं आ रहा, खा के देखते हैं क्या चीज़ है ये। अब आपको मिलते हैं खाने के बाद। विशाल को चाहिए आइस क्यूब, बहुत देर से बुला रहे हैं वहाँ पे है हॉस्टल्स को, वो सुन ही नहीं रही, आँखें उठा के भी नहीं देख रही है। अब विशाल कह रहे हैं मैं जाता हूँ खुद। ये देखो विशाल जा रहे हैं अब आइस क्यूब लेने के लिए, और देर की देखो खुद लेने गए यार, खुद लेने गए। सही है, सही है, सही है, सही है।
पहले क्या सी, वो पहले कॉफी देगी, चाय देगी और दे बाद तुहानू आइस क्यूब देगी। थोड़ा तू ये पी ले, तेरे में से डाल। कॉमेडी हो गए, फ्लैट हो जाएगा तेरे। ठीक है, विशाल बुला बुला के थक गए। नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई वाट लगी हुई है। लास्ट टाइम मैं कह रहा था कि मुंबई जाते हुए हमें बहुत लंबा मिला था, याद है तेरे को? हाँ, एक बार ही हुआ था जब आर्यन था साथ में, हमारी रात की फ्लाइट थी। यार ये तो उससे भी बुरा हाल है भाई, 20 मिनट 25 मिनट अभी भी हो गए, तो खतरनाक वाली हो रही है। दिल बोते खा चुका दो तीन बारी तो है ना नेहा? और अभी भी मेरे कैमरा देख रहे हो झूल रहा है, देखो कैसे बाय गॉड बीच में तो थोड़ा, और अभी लैंड होना है, बिल्कुल हवा टाइट हो रखी है। तो गाइस फिंगर क्रॉस, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, बोलो श्यामर राम चंद्र भगवान जी की जय। मिलते हैं सेफ लैंडिंग होने के बाद। चलते हैं पिट्टी से और मम्मा से मिलने गई खुशियां। यस, तो देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, आपको भी दिखाएंगे। और अभी हमारी ये प्लेन देखो रनवे पे उतर चुका है, लैंडिंग हो चुकी है। और फिर अब बज रहे हैं 3:08, 4 बजे तक होपफुली पहुंच जाएंगे। और हमारे फ्लाइट में फ्रेंड्स भी बने पीछे। यस, से हाय हाय आर्यन, देखो आपके फ्रेंड्स। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। तो अब जल्दी से अब पहुंचते हैं, तोड़ के निकल जाऊं। शक्तिमान, शक्तिमान। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं T3 पर और मेरे साथ इधर है विशाल। फाइनली वापसी दिल्ली आ गए, फाइनली हम पहुंच गए सरप्राइज देने के लिए। ये ओवर एक्साइटेड है अभी हम, क्योंकि हम रिएक्शंस देखना चाहते हैं उनके। यस, तो हम रिएक्शंस देखना चाहते हैं उनका, इसलिए और जाते हैं फटाफट, पहले बेल्ट से लगेज लेते हैं और फिर कैब करके। यस, फास्ट फास्ट। और आर्यन सोच के बैठा था कल वो ड्राइवर के साथ आएगा हमें लेने। हाँ, करेक्ट। वो कह रहा था कि मैं आऊंगा लेने। देखते हैं क्या होने वाला है। क्या हो सकता है, हम लोग पहुंचे 3:30, मुझे लगता है 4:30 बजे तक, 4:30 बजे तक पहुंचेंगे मुझे लग रहा है ना। Yes. ये देख के मजा आ जाता है, ऊपर से आते हैं तो ज्यादा मजा आता है। एरोब्रिज से। हाँ। Yes. कोई नहीं। चलो फटाफट बेल्ट की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हम लोगों ने लगेज ले लिया और हम बाहर आ गए और टैक्सी बुक करा के अब हम लोग खड़े हैं टैक्सी के स्टैंड पे, वेट कर रहे हैं विशाल वो खड़े और अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमने ब्लू वाली टैक्सी बुक करी है और अभी तक हमारी टैक्सी आई नहीं है, वी आर जस्ट वेटिंग। विशाल देख रहे हैं ये हमारी वाली है कौन सी है, क्या नंबर है गाड़ी का? 3237 है ये, तो हमारी आई नहीं है यार, क्या हम वेट कर रहे हैं। एक और ब्लू आ रही है,
3249। चलो फ्रेंड्स, ये हमारी कैब आ गई है, अब हम इसमें रखेंगे अपना सामान और फिर घर की तरफ। हम लोग कैब में बैठ गए हैं और ये जा रहे हैं हम लोग सरप्राइज देने के लिए। लुक एट द मौसम गाइस, दोस्तों देखो बाहर एक नंबर द मौसम हो गया, वधिया देखो बारिश हो रही है, मी पे आ गया ही, ते मजा ही आ गया, बल्ले बल्ले हो गई है। यस, चलो उन मिलते हैं सरप्राइज देने वास्ते आप सबकी प्यारी दादी नू ते विन आर्यन दे आर्यन नू भी। yes. मिल रहे थोड़ी देर बाद। और हमें भैया मिले हैं, इंदर भैया नाम है ना आपका, बहुत ही शानदार भैया है, बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं, एकदम साफ सुथरी रखी हुई है, मजा आ गया। अपनी थोड़ा सा शक्ल दिखाओ जी, हेलो कह दो हमारे लोगों को। हेलो सर। अरे राम राम जी सबको, सबको राम राम, जय श्री राम। बहुत ही बढ़िया चीज है, अब तो टूर ही टूर मारेंगे, हर जगह जाएंगे, अयोध्या भी जाएंगे, हर जगह घूम कर आएंगे, मौसम मजेदार, कल आरू को घुमा देंगे अगर ऐसे ही रहा तो। कसम से थकावट ही हट गई है नेहा, बिल्कुल मजा ही आ गया यार। आप लोग बताओ कैसा लग रहा है, देखो आवाज आ रही होगी, तड़ 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 तड़, ओए होए होए, देखो बारिश, देखो आगे यार, आगे हमने आप लोगों के लिए हाइपरलैप्स भी लगा रखा है भैया के साथ, और इधर से भी दिखा रहा हूँ मैं, इधर हम लोग बोले जा रहे हैं, क्या मजा ही अलग आ रहा है यार, जाते ही अदरक वाली चाय। रोहिणी तक भी बारिश आ रही है, बस क्या बारिश है भाई, क्या बारिश है भाई, पर फुल स्पीड पर हो गया भाई, ओए होए होए भाई, भाई पराठे तो रात को होएंगे, अभी तो जाते ही अदरक वाली चाय और बैंगन के पकोड़े अपने फेवरेट। माता जी गेट रेडी टू मेक टेस्टीएस्ट बैंगन का पकोड़ा, और ले आवांगे कितना भी बैंगन, और मार्केट थोड़ी बंद हो जाएगी। कोई नहीं कोई नहीं, मजा आ गया। Later.
गंदा 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 पकड़ा कर ले ये आगे करना कैसा लगा सरप्राइज मजा आया गाइस मैं आपको एक चीज बताऊं कितना मजा आया भला बता मजा तो बहुत आया पर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं देखो दादी दादी रो क्यों रहे हो रो क्या रही है मेरे को समझा रही थी फोन पे दादी अब रो रही है चलो आप भी जाके मिलो मेरे को समझा रही थी अब रोड़ी है देखो गाइस मम्मा भी मिल रही गाइस हमें बोला था कि कल आएंगे 14th की रात को 1 बजे फ्लाइट लैंड होगी हमें ये बोला था इसका मत दियो मोटी भी ये देखो चढ़ गया माँ की गोदी में अबे कैसे चढ़ गया चला बढ़िया लगा मजा आ गया चलो चला भी गाइस हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं मिलजुल के थोड़ा चेंज वेंज कर लें।